राजधानी रायपुर के मोहला मानपुर पुलिस ने चार नक्सलियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब इन नक्सलियों की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार नक्सली विवेक सिंह स्वर्गीय नंद कुमार बघेल का सलाहकार रहा है। यहां तक कि नक्सली के साथ 7 लाख रुपए लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि नंद कुमार बघेल ने नक्सलियों से संबंध थे और वे मोहला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे। अब भूपेश बघेल बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है। रायपुर से भुलेश मिश्रा की रिपोर्ट। मैं छत्तीसगढ़ के और पुलिस को बधाई के साथ साथ वहां के आईजी एसपी पूरी टीम को बधाई तो देता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय विष्णुदेव जी साय की सरकार लगातार बस्तर में अमन चैन के लिए और जो कार्यवाही कर रही है, बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ में सुख शांति और बस्तर में अमन होगा। आज जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, यह तारीफ काबिल है। जे सुरजोराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलबैया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि यह संबंध या रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। और आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। और साथ ही साथ इसमें मनी ट्रेल का भी मामला है। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, जब ये जेएनयू के लोग तो जब भी छत्तीसगढ़ आते थे तो दौड़ के इनके पिताजी के साथ और जाकर के मानपुर मोहला में ही आखिर किसके बीच मीटिंग करते थे, कौन है वो लोग। मानपुर मोहला के जंगल में जो घटना हुई, जो माता की मूर्ति को निकाल करके तोड़ा फोड़ा गया, सब जानती है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है।